तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल बबलू एडिटर। अगर आपको ऐसे 3D फोटो से वीडियो को बनाना है तो आपको सबसे पहले आपको गूगल फोटोज ऐप को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, फिर आपको फ्रेंड्स फोटो को आपको सिलेक्ट करना। आप जिस फोटो को 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो आपको उस फोटो को सिलेक्ट करके आपको थोड़ा ऐसे इसको डम करना है। फिर आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। फिर आपको सिमेट्रिक फोटोज पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। फिर आपके लिए प्रोसेसिंग होने लगेगा 3D फोटो में कन्वर्ट होने के लिए। फिर इस प्रकार से 3D में कन्वर्ट हो गए। फिर आपको इस 3D फोटो को सेव, फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर से आपको प्रोसेसिंग होने लगेगा। फिर ये गैलरी में सेव हो गया। फिर से आपको बैक करने के लिए आपको दूसरी फोटो को कन्वर्ट करना है, आपको दूसरी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको इसको डाउन करके आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वही फिर आपको सिमेट्रिक फोटोज पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। फिर से प्रोसेसिंग होने लगेगा। इस 3D फिर से आपको सेव करने के लिए आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। ऐसे फ्रेंड्स फिर से आपको बैक आना है। फिर आपको किसी भी एक वीडियो एडिटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। फिर आपको फ्रेंड्स प्लस वाले क्लिक करके आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। फिर आपको फोटो को आपको सेव कर लेना है, ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। आप जिस फोटो को एडिट करना चाहते हो फ्रेंड्स, वैसे फिर आपको इनकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा देना है फ्रेंड्स। रेगुलर में क्लिक करें, आपको स्पीड को बढ़ा देना है फ्रेंड्स। फिर आपको ये इस पर क्लिक करें, ऐसे फ्रेंड्स आपको दूसरी इमेज पे क्लिक करके आपको स्पीड को बढ़ा देना है। आपको रेगुलर में आके एक 1x से आपको 4x पे क्लिक करके आपको यस पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। ऐसे आपको सभी इमेज की आपको स्पीड को बढ़ा लेना है फ्रेंड्स। रेगुलर में क्लिक करके आपको 1x से आपको 4x पर कर लेना है। फिर आपको यस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। ऐसे फ्रेंड फिर से आपको अगले फोटो को स्पीड को बढ़ा लेना है। रेगुलर पर क्लिक करके आपको 1x से आपको 4x पर क्लिक करके आपको प्लस यस पे क्लिक कर देना फ्रेंड्स। फिर आपको इस ब्लैक पार्ट को आपको डिलीट कर देना है फ्रेंड्स। फिर आपको म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको म्यूजिक पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। फिर आपको माय म्यूजिक पे क्लिक करके आपको माई म्यूजिक लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। फिर आपको किसी भी म्यूजिक को आपको ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। फिर आप इस वाले पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। फिर आपको सेव करने के लिए आपको ये ऊपर वाले पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। फिर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।